उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक है। हेलो नमस्ते खुलम्बाई और गिरासोंग। मेरे मामा का जो लास्ट का विदाई था ना, जो स्वर्गवासी हुआ, तो जो लोग देख रहे हैं तो उस दिन का ये जो क्लिप था। तो दोस्तों, और अभी हम जा रही हूँ, अभी बीच रास्ते में हूँ और हापुस हो चुका है क्योंकि आज है हमारे मामा का जो अंतिम संस्कार, मतलब वो क्या श्राद्ध कहते हैं ना। तो और अभी हम यहाँ दुधनई की मेन टाउन की और इधर दामरा रोड जाते हैं, और अभी हम और आगे गुवाहाटी और लेफ्ट साइड लूँगी तो दुधनई कॉलेज रोड, और अभी हम यहाँ कुछ लेंगे तो लेने के बाद और फिर वापस और जा रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो तो दुधनई कॉलेज को पार कर लिया और 2 किलोमीटर जाने के बाद पहुँचाऊँगी, और अभी मैं आ चुकी हूँ और देख सकते हो यहाँ, और सब लोग सुबह ही आके चले गए हैं, लेकिन हम जो हमारे सुनू का एग्जाम चल रहा था ना, इसीलिए हम अभी 3:30 बज चुका है बाबू। मेरा छोटा छोटा भाई लोग यहाँ है बैठ के, और यही है मेरा मामा का बेटा है ना, इकलौता बेटा देखो, और खाली खाली सा है, मतलब यहाँ पे पेंडल सुबह जो नियम वगैरह हो के चला गया है, जितना भी वहाँ पे यज्ञ वगैरह देते हैं ना तब, तो भी तो चलिए। हमसे थोड़ी देर पहले हमारे बुआ आ चुकी है क्योंकि उनका भी स्कूल था ना, स्कूल तो इसीलिए अच्छे बोल रहे थे, और इधर अंकल लोग हैं। সবে সকালে তাই লোক ধরে না, সকালে তাই লোক ধরে, আমি হে না পালো। और दोस्तों सुबह नियम वगैरह यज्ञ वगैरह होके गया है, तो उसको मैं नहीं कर पाई हूँ जो नियम वगैरह, इसीलिए मैं मेरा मन बहुत ही मतलब बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उनका स्कूल में एग्जाम भी था ना, इसीलिए तो क्या ही करें। तो चलिए जो होके गया, तो फिर भी हमने सोचा कि मैं एक बार जाके आऊँगी तो मेरा मन को तसल्ली लगेगा, तो ऐसे करके हमने बहन सुनू और हापू ने चली आई, और बुआ लोग भी, उन लोग भी गाड़ी लेके आए हैं। और दोस्तों, और ये जो है ना, ये मेरा मतलब मुझे स्कूल में पढ़ाती थी मेरे हाई स्कूल टीचर है हिमानी मैडम, सो उनको मिलके ना बहुत ही मन को खुशी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत ही उनका जो मेरा ज्ञान उसने हमको सिखाया था, जो स्कूल में जितना भी बहुत अच्छी तरह से, मुझे बहुत उनकी जितने भी तारीफ करूँ तो बहुत ही कम है दोस्तों। और खाना वगैरह खा के और यहाँ थोड़ी देर बैठ रही हूँ सब लोग, और पहले तो जो कुछ ऐसा जो कुमल चावल ऐसा दही वगैरह ऐसा हमको दिया और कुछ वगैरह, लेकिन मैं ब्लॉग्स करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ऐसे 20-20 में ऐसा ब्लॉग जितना हो सकती हो वो ही किया, इतना नहीं लिया क्लिप को। तो और बुआ लोग हमसे पहले वो लोग चले जाएंगे, उनके बाद हम जाऊंगी। और दोस्तों, और यहाँ पे थोड़ा मेरे भाई के साथ मैंने बहुत सारा बातें की, और जो मेरे मामा की जो बेटी है ना, जो बड़े बेटियाँ, तो उनकी उन लोग के साथ भी मैंने बहुत समय बिताया, बहुत भी समय व्यतीत किया, लेकिन फिर भी उन लोगों के जो भी हमने बातें किया वो अच्छा नहीं लगता ना, ऐसा हम लोग बनाते हैं। सुबह ही आता तो बहुत सारे लोगों को मिल चुका होता, और लेकिन फिर भी क्या करें, जो परिस्थितियाँ ऐसे है ना कि। और ये मेरा मामा की हाथों से लगाया हुआ बहुत सारे पौधा उनके घर में, बहुत सारे घुसते ही मतलब नर्सरी की तरह जो भी पेड़ आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा। और मैंने तो बहुत सारे क्लिप लेना बाकी ही रह गया,
चेचा ओंखाम जाना दं आया जा दे गारी दं हो इयाव गामाय আজিছি আমার লগত যাব পারবি তো তাকে তো আমার তো হুমা দিও লক নাকি मेरे पास में यहाँ व्हाइट कपड़े में बैठे हैं ना, यही मेरे मामा का वाइफ है और यहाँ पे फैमिली कुछ बातें चल रहा था तो, और उस दिन तो बहुत कुछ हालत ख़राब था उनके सामने जाके मेरे साहस नहीं हुआ मतलब जाने के लिए। और ये है दादाजी मामा का पापा और पिताजी मतलब मेरा दादाजी। तो मैं बता देती हूँ दोस्तों आप लोगों को, मेरा मामा जो है ना प्रोफेशनली वो ग्वालपरा डिस्ट्रिक्ट आगिया डेरेक हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल 2024 में बहुत कुछ खो चुकी हूँ और खोने का साहस ही नहीं दोस्तों। तो मैंने मेरे मामा के घर से हम लोगों को ब्लॉग में जहाँ गया वो उसको दिखाने की कोशिश किया और यहाँ सुबह हो गया था उनका नियम वगैरह। वो लोग ब्रह्म धर्म का है मतलब वो लोग यज्ञ देता है और इधर सिस्टर लोगों से मैं विदा लेके और तो बहुत सारे यादें किया था मेरे दादाजी मेरे मामा के घर में ही। तो बहुत उस मेमोरीज है दोस्तों, कभी कभार उसको बताऊंगी शेयर करूंगी। और दादाजी को हमने उनके घर तक छोड़ दिया। गाड़ी थरीपुर को मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।